बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.3। टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट 4 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एंड अदर क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following are conformable for addition? क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा है कि कौन सा मैट्रिसेस है जो एडिशन के लिए सूटेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कौन से मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं या एडिशन के लिए सूटेबल हैं। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर जो सेम हो तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, या फिर ये हम कह सकते हैं कि सेम टाइप के मैट्रिसेस के सेम टाइप के मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास ए मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर का है क्योंकि इसमें दो ही रोज़ आ रही हैं और दो ही कॉलम्स आ रहे हैं। उसके बाद बी मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर 2x1 है क्योंकि इसमें 2 रोज़ आ रही हैं और 1 कॉलम आ रहा है। तो हमने देखना है कि ए मैट्रिस जो है ये किसके साथ ऐड हो सकता है। 2x2 ऑर्डर देखना है किसका है। तो सी का भी 2x2 ऑर्डर नहीं है, डी का भी 2x2 नहीं है, तो ई का ऑर्डर है 2x2। तो हम क्या कहेंगे कि ए मैट्रिक्स को ई में हम ऐड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन इसका, इन द अबव मैट्रिसेस फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सूटेबल फॉर एडिशन। ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज देयर ऑर्डर इज सेम एंड बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ए और ई का जो ऑर्डर है वो सेम है इसलिए ये एडिशन के लिए सूटेबल हैं और दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। उसके बाद बी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर हमारे पास 2x1 है और एडिशन के लिए हम देख रहे हैं, तो एडिशन के लिए हम सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को देखते हैं। तो सी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 3x2 है, तो बी को हम सी में ऐड नहीं कर सकते। अब डी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2x1 है, तो बी को डी में हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ई और एफ का भी 2x1 नहीं ऑर्डर, तो सो बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज द ऑर्डर इज सेम, दे हैव 2 रोज एंड 1 कॉलम्स एंड बोथ आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। बी और डी जो हैं एडिशन के लिए सूटेबल हैं क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों के 2 ही रोज़ और 1 कॉलम है और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। उसके बाद ए बी डी ई को हम डिस्कस कर चुके हैं और सी और एफ रह चुके हैं। सी का ऑर्डर 3x2 है और एफ का भी 3x2 है, तो सी एंड F are conformable for addition because their order is same. They have 3 rows and 2 columns and they are rectangular matrices. C और F क्या है, suitable हैं addition के लिए क्योंकि इनका order same है, इनमें 3 rows और 2 columns हैं और rectangular matrices हैं। तो addition के लिए ऐसे matrices लेते हैं जिनका order same हो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस का। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है एक मैट्रिक्स का, नेगेटिव मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है उसको हमने क्या लेना है, उसका नेगेटिव, तो वो हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स उस मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स ए है, 2, 4 रो 1 है, -2, 1 जो है रो 2 है। तो इसका सलूशन उन्होंने कहा एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नेगेटिव मैट्रिक्स। तो एडिटिव इनवर्स एक मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। तो ए हमारे पास गिवन है तो इसका क्या लेंगे, नेगेटिव। तो 1.2 में हम डिस्कस कर चुके हैं नेगेटिव मैट्रिक्स को। तो हमने क्या करना होता है, माइनस से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस से इक्वल आ जाएगा माइनस, उसके बाद जो मैट्रिक्स है 2, 4, -2 और 1, और माइनस को
जो मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज़ हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस को प्लस टू से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का टू आ जाएगा, माइनस को प्लस फोर से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का फोर आ जाएगा, माइनस को माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का टू आ जाएगा, माइनस को वन से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का वन, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस टू आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, जब माइनस को माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का टू आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस ए जो है ए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स है। पार्ट टू हमारे पास बी मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो आ रही है 1 0 -1, सेकंड रो आ रही है 2 -1 3, थर्ड रो आ रही है 3 -2 1। तो इसका हमने एडिटिव इन्वर्स लेना है। तो सिंपल ये है कि जो मैट्रिक्स है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो माइनस को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस और मैट्रिक्स आ जाएगा। मैट्रिक्स क्या है, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। तो जब माइनस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएंगे, जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो प्लस में हो जाएंगे चेंज, और जो प्लस वाली हैं वो माइनस में चेंज। तो जब माइनस को प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस प्लस माइनस और वन वैसे ही आ जाएगा, और माइनस को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो बिकॉज ज़ीरो इज़ न्यूट्रल। माइनस को माइनस वन से करवाएं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वन आ जाएगा। और अगर ऐसी वैल्यू जिसके साथ कोई साइन ना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ जिस तरह माइनस को माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का वन आता है, तो जिसके साथ साइन नहीं होता उसका मतलब है उसके साथ पॉजिटिव साइन है। इसके बाद माइनस को प्लस टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का टू आ जाएगा, माइनस को माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का वन आ जाएगा, माइनस को प्लस के थ्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का थ्री आ जाएगा, उसके बाद माइनस को प्लस के थ्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का थ्री, माइनस को माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस माइनस प्लस टू आ जाएगा, माइनस को प्लस वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का वन। तो यही हुआ कि जो पॉजिटिव वैल्यूज़ थी जब उनको माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, प्लस में, और जो प्लस वाली वैल्यूज़ थी जब उनको माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो माइनस में चेंज हो जाती है। उसके बाद पार्ट थ्री है, इसमें भी सेम मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, माइनस को सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जो वैल्यूज़ थी 4 और -2, तो जब एडिटिव इन्वर्स लेंगे माइनस सी इक्वल आ जाएगा -4 और प्लस के 2 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स c का। तो d का भी ऐसे ही करेंगे, e 5 पार्ट जो है वो भी ऐसे ही करेंगे। उसके बाद 6 पार्ट f, ये भी सेम ऐसे ही है। इसमें क्या करना है, f इक्वल है स्केयर रूट 3 1 माइनस 1 स्केयर रूट 2। तो f का जब हमने एडिटिव इन्वर्स लेना है तो माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे f के साथ, तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, माइनस और मैट्रिक्स। जब माइनस को स्केयर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का स्केयर रूट 3 आ जाएगा, माइनस को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस को स्केयर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस स्केयर रूट 2 आ जाएगा, और माइनस एफ जो होगा जो इक्वल है माइनस स्केयर रूट 3 माइनस वन वन स्केयर रूट माइनस का स्केयर रूट 2, ये एफ का एडिटिव इन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ ए इक्वल -1 2 2 1, बी मैट्रिक्स इक्वल है 1 -1 के, सी मैट्रिक्स इक्वल है 1 -1 2 के, डी मैट्रिक्स इक्वल है 1 2 3 -1 0 2 के, देन फाइंड ए बी सी डी मैट्रिक्स गिवन है। तो हमने फाइंड करना है पार्ट वन, ए प्लस मैट्रिक्स हमारे पास ऐड हो रहा है ए में 1 1 1 1, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। तो ए प्लस मैट्रिक्स है तो ए हमारे पास गिवन है, क्या है -1 2 2 1, तो हम ए की जगह क्या पुट कर देंगे,
मैट्रिक्स की वैल्यू, माइनस वन, टू टू वन, उसके बाद प्लस, फिर वन 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 वन, ये वैसे ही है। तो इनका ऑर्डर क्या है दोनों मैट्रिसेस का? सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? जब ऑर्डर सेम हो तो हम ऐड इजीली कर सकते हैं। तो इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ रही हैं दोनों मैट्रिसेस की, वो ऐड हो जाएंगी। तो जो ए मैट्रिक्स था उसकी फर्स्ट एंट्री है माइनस वन, तो माइनस वन को जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके पहली एंट्री के साथ ऐड कर देंगे। माइनस वन प्लस वन में ऐड हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जो प्लेस बनती है ए मैट्रिक्स की, वो है टू, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी वन है, तो टू को वन में ऐड कर देंगे। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो है टू आ रहा है उसको भी वन में ऐड कर देंगे। उसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम की एंट्रीज जो दोनों मैट्रिसेस की हैं वन प्लस वन कर देंगे। तो हम द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर इज सेम, सो दे कैन इजीली बी ऐड। तो हमने इनको इजीली ऐड कर सकते हैं, ये का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएंगे। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस वन प्लस का वन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। टू प्लस वन क्या हो जाएगा? थ्री। फिर टू प्लस वन थ्री, वन प्लस वन टू। तो ये हमारे पास ए प्लस मैट्रिक्स वन 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 का आंसर जो आ रहा है वो ज़ीरो थ्री थ्री टू आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? बी प्लस मैट्रिक्स है माइनस टू थ्री का। तो क्वेश्चन में गिवन था बी की वैल्यू, यहाँ पे स्टार्ट पे क्वेश्चन नंबर थ्री पे, ठीक। तो बी की वैल्यू हमने क्वेश्चन से ही लिख किया है वन और माइनस वन। तो हमने क्या किया? बी प्लस मैट्रिक्स है तो बी की पहले वैल्यू पुट की क्या है? वन और माइनस वन, फिर आ रहा है प्लस, प्लस लगाएंगे, उसके बाद आ रहा है मैट्रिक्स माइनस टू थ्री। तो दोनों का ऑर्डर फिर सेम है, तो क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे। तो वन को माइनस टू में ऐड करेंगे और माइनस वन को थ्री में ऐड करेंगे। तो वन प्लस माइनस का टू, तो वन वैसे ही, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और क्या आ जाएगा? टू। तो वन माइनस टू आ जाएगा। तो वन माइनस टू जो है हमारे पास, यहाँ से थोड़ी से वो गैप करती है, यहाँ गैप नहीं आएगा, पास ही आएगा वन माइनस टू, ठीक है। तो वन माइनस टू आ जाएगा। उसके बाद माइनस का वन प्लस का थ्री, वैसे ही ठीक ये आ जाएगा। और वन माइनस टू क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो टू में से वन करेंगे, वन आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है? माइनस का, तो माइनस वन आ जाएगा, ठीक। माइनस वन प्लस थ्री क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, तीन में से एक निकालें क्या आएगा? टू आ जाएगा, ठीक है। और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा? प्लस का, तो प्लस का टू आ जाएगा। उसके बाद सी मैट्रिक्स सेम ऐसे ही करेंगे। सी प्लस मैट्रिक्स है माइनस टू वन थ्री। तो हमने सी में ऐड करना है मैट्रिक्स। सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ये सी इक्वल है माइनस वन का, माइनस वन और टू। तो सी की वैल्यू पुट करेंगे वन माइनस वन टू, और प्लस मैट्रिक्स लिख देंगे। इनका ऑर्डर सेम है तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। तो पहली एंट्री को दोनों मैट्रिक्स की ऐड करेंगे, वन प्लस माइनस टू हो जाएगा, और माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, टू प्लस थ्री हो जाएगा। तो वन प्लस माइनस माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन प्लस का वन, और टू प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है। और वन माइनस टू, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। टू में से वन माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा? माइनस का, तो इसलिए हमारे पास क्या आया? माइनस वन आ गया। उसके बाद माइनस वन प्लस का वन क्या होता है? ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे तो ज़ीरो, या वन माइनस वन करें तो ज़ीरो। उसके बाद टू प्लस थ्री क्या होता है? फाइव। तो ये हमारे पास सी प्लस मैट्रिक्स जो था उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद सेम डी मैट्रिक्स जो ऐड हो रहे हैं एक मैट्रिक्स में, तो फोर पार्ट जो है वो भी सेम ऐसे ही करेंगे।
डी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है और नेक्स्ट जो आगे मैट्रिक्स ऐड हो रहा है वो भी, इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, डी की वैल्यू पुट की, वो क्या है, 1 2 3 माइनस 1 0 2 प्लस, और जो मैट्रिक्स यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है, 0 1 0 2 0 1, तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। सेम जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ रही हैं उनको ऐड कर देना है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो आ जाएगी। ठीक है, वो एंड पे आ रही है 1 3 3 1 0 3। उसके बाद फाइव पार्ट है इसका। इसमें हमने क्या करना है, 2a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ये हो रही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 2a हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, a की वैल्यू -1 2 2 1, तो मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, ए गिवन है, सो हमने फाइंड क्या करना है, 2a, तो 2 वैसे ही लिखेंगे, आगे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे मैट्रिक्स को, तो 2 को जो मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को पहले -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब 2 को -1 से करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 2 1 2 हो जाएगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, तो ये 2a की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद -1 को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो b मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन था, 1 -1 था, तो -1 को मल्टीप्लाई करवाया b मैट्रिक्स से, तो b मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की हमने -1, और मैट्रिक्स है 1 -1, तो -1 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब -1 +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, बिकॉज माइनस प्लस माइनस 1 1 1, माइनस माइनस प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 7 पार्ट है, -2 को c से मल्टीप्लाई करवाना है, सेम -2 वैसे और c मैट्रिक्स लिख देंगे, और -2 को c की सारी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 1 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और जब -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस का 2 आ जाएगा। उसके बाद -2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 2 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 8वां पार्ट जो है वो भी सेम ऐसे ही करेंगे, 3 को डी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और डी मैट्रिक्स जो है 1 2 3 -1 0 2 लिख देंगे, और 3 को मैट्रिक्स के सारी जो एंट्रीज है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास 3 6 9 -3 0 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टकट बता रही हूँ आपको, स्टार्ट पे बता दिया, एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद 9th पार्ट सेम ऐसे ही, 3 को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो सी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, 1 -2, सॉरी सी मैट्रिक्स है वो 1 -1 और 2 है। ठीक है, तो 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मैट्रिक्स के हर एंट्री से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 -3 6 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो उन्होंने कहा है कि आपने इंडिकेट करना है ऑपरेशंस को और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पार्ट 1 है हमारे पास। सबसे पहले देखें, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ब्रैकेट्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली को, फिर जो है स्क्वायर ब्रैकेट को। तो यहाँ हमारे पास ये जो ब्रैकेट आ रही है,
पार्ट वन में हमारे पास ब्रैकेट आ रही है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं और उसके बाद प्लस फिर एक मैट्रिक्स है। तो हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो पहले हम जो ब्रैकेट वाला है उसको ऐड करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा, फिर जो रह गया मैट्रिक्स उसको ऐड करके आंसर लाएंगे। तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे इसका, ब्रैकेट वाले को फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। दो मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 + 0 आ जाएगा, 0 + 2 आ जाएगा, उसके बाद 0 + 3 आ जाएगा, 1 + 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस मैट्रिक्स जो है वो वैसे ही आएगा, तो 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 2 जो है 2 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, 1 + 0 जो है 1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस नेक्स्ट जो मैट्रिक्स था आगे वो वैसे ही आ जाएगा। अब दो मैट्रिक्स आ गए हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, 1 + 1 आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा, 1 + 0 आ जाएगा, ठीक है। हमने इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उन्हीं में ऐड करना होता है ना, तो हमारे पास क्या होगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, मैट्रिक्स है 1 0 0 1 प्लस फिर ब्रैकेट आ रही है, फिर मैट्रिक्स है 0 2 3 0 माइनस मैट्रिक्स जो है 1 1 1 0, फिर ब्रैकेट क्लोज हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है, फर्स्ट हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स वाले को। तो जो पहला मैट्रिक्स है वो वैसे ही आ जाएगा 1 0 0 1 प्लस, तो जो दोनों मैट्रिक्स हैं, पहला मैट्रिक्स माइनस हो रहा है दूसरे में से, पहला मैट्रिक्स जो है वो माइनस करेगा दूसरे मैट्रिक्स को, तो क्या करेंगे, 0 - 1 आ जाएगा, 2 - 1 आ जाएगा, 3 - 1 आ जाएगा, 0 - 0 आ जाएगा। तो पहला मैट्रिक्स वैसे ही 1 0 0 1, फिर प्लस और 0 - 1 - 1 हो जाएगा, प्लस का 2 - 1, प्लस माइनस माइनस, 2 में से -1 करें तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फिर दो मैट्रिक्स बन जाते हैं, पहला मैट्रिक्स तो 1 0 0 1 प्लस और ये -1 प्लस का 1 2 0 जो है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, 1 + - 1 आ जाएगा, 0 + 1 आ जाएगा, 0 + 2 आ जाएगा, 1 + 0 आ जाएगा, तो 1 + - -1 आ जाएगा, 1 - 1 हो तो 0 और 0 + 1 करें तो 1 और 0 + 2 करें तो 2, 1 + 0 करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है, थर्ड आ रहा है, तो थर्ड पार्ट जो है हमारा वो क्या होगा, मैट्रिक्स है 2 3 1 प्लस फिर ब्रैकेट में पहला मैट्रिक्स माइनस दूसरा मैट्रिक्स। तो हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको पहले मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे जो ब्रैकेट में नहीं है। तो 2 3 1 वैसे ही आ जाएगा, तो 1 - 2 करेंगे, फिर 0 - 2 करेंगे, 2 - 2 करेंगे, तो फिर 2 3 1 वाला जो मैट्रिक्स है वैसे ही आ जाएगा। तो 1 - 2 करें, प्लस माइनस माइनस, 2 में से -1 करें तो 1 और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा, 1, तो -1 आ जाएगा, और 0 - 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 - 2 करें तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास दो मैट्रिक्स फिर बन जाते हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + -1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -1 आ जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस और 2 आ जाएगा, 3 - 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 + 0 आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो 1 + 0 तो 1 ही होता है, तो 2 - 1 1, 3 - 2 1 और 1 + 0 तो 1 आएगा। इस तरह उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 + 3 का, और सेम ऑर्डर है दोनों का। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे,
तो सिंपली ऐड करेंगे, 1 को प्लस 1 में करेंगे, 2 को प्लस 1 में करेंगे, 3 को प्लस 1 में करेंगे, उसके बाद माइनस 1 प्लस 2, फिर माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2, फिर उसके बाद 0 प्लस 3 आ जाएगा, 1 प्लस 3 आ जाएगा, 2 प्लस 3 आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे, उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 2, 3, 4, 1, 1, 1 और 3, 4, 5. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज इट इज़ है, दोनों मैट्रिक्स का सम लेंगे तो दोनों को ऐड करना है और आंसर आ जाएगा. और जो 6 पार्ट है वो भी सेम जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया था, लेकिन उसके जो लास्ट वाले 2 मैट्रिक्स थे उन पे ब्रैकेट आ रही थी, यहाँ पे हमारे फर्स्ट 2 मैट्रिक्स पे ब्रैकेट आ रही है. तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक ब्रैकेट ओपन हो रही है, फिर मैट्रिक्स, फिर प्लस, फिर मैट्रिक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज हो रही है, प्लस मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे. तो ब्रैकेट में 2 मैट्रिक्स आ रहे हैं, उनका सम लेंगे, 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 आएगा, और 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0, ठीक है, ये आ जाएगा, और प्लस 1 1 1 1 मैट्रिक्स जो है ये क्या आएगा, वैसे ही आ जाएगा. तो 1 प्लस 2 करें 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 करें 3 आ जाएगा, 0 प्लस 1 करें 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 करें तो 1, और प्लस मैट्रिक्स वो नेक्स्ट जो है वो वैसे ही आ जाएगा. उसके बाद फिर 2 मैट्रिक्स बन रहे हैं और एडिशन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 3 प्लस 1 करें, उसके बाद 3 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा.